वाओ, ओनली 328 रुपीस में एक सिंगिंग माइक्रोफोन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास है एक सिंगिंग माइक्रोफोन विथ ब्लूटूथ स्पीकर, और आज का इस वीडियो में सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका फीचर बताने के साथ साथ इसका थोड़ा टेस्टिंग भी करेंगे, और आपको बताऊंगा कि इसका क्वालिटी कैसा है और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ इस एक वीडियो में ये सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, और आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। स्टार्ट करते हैं, और इसका अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको बता दूं, आप सभी के लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हूं, जहां पे अच्छा अच्छा डील्स पोस्ट करता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले करते हैं इसका अनबॉक्स। इसके ऊपर में सेफ्टी के लिए कुछ पेपर्स है, पेन है, इसका बिल, इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं इसको ओनली 328 में परचेस किया हूँ। देन इसके अंदर में है हमारा मेन माइक्रोफोन, और मुझे अच्छा लगा कि इसमें एक बैग मिलता है और यहाँ पे जिपर भी मिलता है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं, और ये है मेन माइक्रोफोन। और इसके अंदर में है USB A टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल, और इसका ऊपर का पार्ट मेटल का है, और ये गोल्डन कलर का है, जिसके वजह से ये देखने के लिए टोटली प्रीमियम लगता है। और ये है इसका ऑन एंड ऑफ बटन, बेस का स्विच, ट्रेबल स्विच, वॉल्यूम, म्यूजिक, देन है इको। और इसके नीचे में दो पोर्ट है, एक है USB पोर्ट और एक है माइक्रो USB पोर्ट, जो कि चार्जिंग के लिए है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर में तीन बटन है, जो कि है नेक्स्ट, प्रीवियस, देन मिडिल पे है प्ले एंड पॉज बटन। और चार्जिंग करने के वक्त यहाँ पे एक रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और आप इसका पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके होल्ड कीजिए, देन ये ऑन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अब आपने विदाउट इको मोड पे मेरा वॉइस सुन रहे हैं, और अब इसको इको मोड पे चलाते हैं। हेलो दोस्तों, अब ये ऑन हो चुका है, और मेरे वॉइस में आपको इको आ रहा होगा, ये इतना लाउड नहीं है। और इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर आपने आपका मुंह से इसके थोड़ा दूर में रखेंगे, ये वॉइस को कैप्चर नहीं करेगा, इसको थोड़ा पास में लेना होगा, देन ये वॉइस कैप्चर करेगा। और इसमें USB A पोर्ट यानी पेन ड्राइव का स्लॉट मिलता है, तो चलिए अब इसमें पेन ड्राइव को डालते हैं। और आप यहां से सॉन्ग को नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर पाएंगे। और इसके अंदर में है इसका स्पीकर, और इसमें ब्लूटूथ मिल जाता है। तो चलिए अब मैं मेरा फोन का ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ। अवेलेबल डिवाइस पे आ गया Q7, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देन पेयर कीजिए। म्यूजिक को चलाते चलाते आप इसका माइक्रोफोन को यूज कर पाएंगे। और मैं इसको इतना कम प्राइस में कैसे लिया, चलिए देखते हैं। और इसका डील जब पहले आया था, इसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसका प्राइस दिखा रहा है 499, बट कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, जहाँ पे लिखा हुआ है अदर सेलर्स ऑन अमेजन, इसके नीचे में इसका प्राइस होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और एक सेलर का प्राइस है 499, और एक सेलर का प्राइस है 768, बट इसमें एक कूपन है जहाँ पे आपको 45% ऑफ मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देन ऐड टू कार्ट कीजिए। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कूपन अप्लाई हो चुका है, देन आप इसको 422 रुपीज में ले पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको 300 रुपीस के आसपास में मिलता है, देन इसको लेना, और ये 500 रुपीस के अंदर में भी ठीक है, बट आप इसको मत लीजिए,
अगर आपने इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे इसका बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ले सकते हैं। और ये माइक्रोफोन सिंगिंग के लिए है, बट ये सिंगिंग के लिए अच्छा नहीं है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, और इसका वॉइस का आउटपुट इतना अच्छा नहीं आता है, टोटली चीप साउंड जैसा लगता है। अगर आपने सिंगिंग करते हैं, सबसे बेस्ट होगा मोनो का इसी कंडेंसर माइक्रोफोन को आप ले सकते हैं, और इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अगर आपका बजट कम है, आप इसी बोया बाई M1 माइक्रोफोन ले लीजिए। और मैं जितने भी सारे माइक्रोफोन को टेस्टिंग किया, और 600-700 रुपीस के अंदर में ये सबसे बेस्ट माइक्रोफोन है। डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, इसको ले सकते हैं। अगर इसको लेंगे तो इको कैसे होगा, देखिए दोस्तों, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लेक्सिस वॉइस एडिटर, इसको इंस्टॉल कीजिए, और इसका सेटिंग में इको का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पे आपका वॉइस में इको दे सकते हैं। दोस्तों अभी तो इस वीडियो खत्म होने वाला है, बट उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। और आज की इस वीडियो में तो इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।